हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल आपका गार्डन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पोर्चुलका के प्लांट्स हैं। पोर्चुलका के ऊपर मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस हैं और उनमें मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट कर बता रहे हैं कि उनके पोर्चुलका के प्लांट पर सीड्स नहीं बन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि पोर्चुलका के प्लांट पर सीड क्यों नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पोर्चुलका की दो वैरायटी होती हैं। एक तो देसी वैरायटी जो मजेंटा कलर की आती है या उसके जैसे, ये मेरे मतलब पास जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं ये उसी वैरायटी के हैं। इनको मैं देसी इसलिए मानती हूँ कि इनका जो प्लांट स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है, बस कलर डिफरेंट है। दूसरी जो वैरायटी है वो हाइब्रिड वैरायटी है, उसमें भी कलर काफ़ी सारे आते हैं पर उसका प्लांट स्ट्रक्चर इसके जैसा नहीं होता है। तो जो ये देसी वैरायटी के जो प्लांट हैं इन पर मैंने कभी भी सीड बनते नहीं देखे हैं। आप देखेंगे मतलब इसके मतलब जितने भी फूल हैं वो सूख कर ऐसे ही गिर जाते हैं या ज़रा सा भी हाथ लगाओ तो वो अलग हो जाता है मतलब प्लांट से। ये प्लांट मेरे पास काफ़ी टाइम से है, मतलब कई सालों से है, और मैंने इन पर कभी भी सीड बनते नहीं देखा है। तो अगर आपके पास भी ऐसे प्लांट है तो इन पर सीड नहीं बनते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके जो सूखे फूल हैं वो आसानी से गिर जाते हैं और इन पर कोई भी सीड पॉट नहीं है। इन्हें आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कई लोगों ने यही बताया कि उनका जो फूल है मतलब पोर्चुलका का सूख कर ऐसे ही गिर जाता है, उस पर कोई सीड पॉट नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप ये देख लें कि देसी जो पोर्चुलका है उन पर सीड नहीं बनते हैं। अब ये देखिए, ये हाइब्रिड वेराइटी के पोर्चुलका हैं। ये देखिए, इसका प्लांट स्ट्रक्चर अलग है, इसके फूल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि इसमें पेटल्स कम है पर इसमें सीड बनते हैं। सबसे पहले आप इसके मतलब स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ये प्लांट बिल्कुल अलग टाइप का है और ये बहुत कॉमन है, ये नर्सरीज में आसानी से मिल जाता है। हाइब्रिड पोर्चुलका की जो स्टेम्स होती हैं वो 8-9 इंच तक मैक्सिमम हो सकती हैं, जबकि देसी पोर्चुलका की जो वैरायटी है वो 1.5 फुट तक हो सकती है। इस पर सीड बनते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस पर कोई ना कोई सीड पॉड ज़रूर होगा। इधर देखिए, एक सीड पॉड है जो कि मतलब हार्वेस्ट होने ही वाला है, ब्राउन हो चुका है। इसके लिए आप मेरी पोर्चुलका फैक्ट्स के नाम से वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको दिखाया कैसे सीड पॉड होते हैं। और ये देखिए, अच्छा दूसरी चीज़ इस प्लांट की खास बात है, इसके जो सूखे फूल हैं वो आसानी से नहीं गिरते हैं, ये आसानी से इसमें चिपके रहते हैं और जब सीड पॉड पक जाता है तभी ये हटते हैं। देखिए, सूखे हुए फूल को हटाने की मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो नहीं हट रहा, जबकि देसी पोर्चुलका वाली वैरायटी में फूल सूखकर अपने आप भी गिर जाते हैं और ज़रा सा टच करने पर भी गिर जाता है। इसी तरह ये भी एक और मतलब हाइब्रिड पोर्चुलका है, ये थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया था, इसमें अभी मेलीबग का अटैक हो गया था तो इस पर जो फूल हैं वो थोड़े ख़राब हो गए, हालाँकि फिर से इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, इस पर भी सीड बन जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आपको मैंने बता दिया कि सीड्स कैसे प्लांट पर प्रोड्यूस होते हैं। हाइब्रिड वैरायटी पर प्रोड्यूस होते हैं और देसी वैरायटी पर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। और आपने प्लांट का स्ट्रक्चर भी देख लिया कि कैसा हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आप आसानी से पहचान सकते हैं किस पर सीड प्रोड्यूस होंगे और किस पर नहीं। पर अभी भी एक ज़रूरी जानकारी देनी बाकी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दूँ, जब हम इस हाइब्रिड पोर्चुलका के सीड कलेक्ट करके उन्हें मतलब नई तरीके से ग्रो करते हैं, सीड से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, तो वो प्लांट कैसे होते हैं उनको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पोर्चुलका के हाइब्रिड सीड से ग्रो किए हुए प्लांट है, हालाँकि मैंने इस साल इन्हें ग्रो नहीं किया है। ये प्लांट अपने आप ही ग्रो हो गया है, लास्ट ईयर कुछ सीड्स गमले में गिर गए होंगे, उन्हीं से काफ़ी सारे प्लांट्स निकल आए हैं, तो उनमें से ये एक प्लांट है। इस प्लांट पर आपको बहुत सारे सीड पॉट देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए मतलब सीड से भरा हुआ सीड पॉट है, मतलब ऊपर का कवर इनका हट गया है, देखिए आप ब्लैक ब्लैक देख सकते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ, इस पर देखिए सिंगल पेटल वाले फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, और सीड से जब भी आप ग्रो करोगे, चाहे परचेज करके ग्रो करो, सब पे सिंगल पेटल वाले फ्लावर्स खिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि आपके पोर्चुलका के प्लांट पर सीड ना बनने का रीज़न उसकी वैरायटी है, ना कि मतलब उसमें कोई कमी है। पोर्चुलका के ऊपर अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरी एक वीडियो है फैक्ट्स ऑफ पोर्चुलका, उसे ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आपका दिन शुभ।